हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीटी एकेडमी। देखिए, आज का जो लेक्चर है वो आपका 9th क्लास के लिए है। 9th क्लास हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3 हम सेकंड क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ये, ठीक है ना। और ये जो 100% आपका एग्जाम में आता है इसमें से। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आपका क्या करा है, इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू, कि हमारे पास क्या है, ये जो गिवन है इसमें इसको हमें किस फॉर्म में करना है, p by q के फॉर्म में, where p and q are integers, और p और q क्या यहाँ पे इंटीजर्स है, और यहाँ पे जो q है not equal to zero, कि यहाँ पे जो q है आपका डिवाइड में ये जीरो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0.6 ऊपर क्या लगा रखा है, बार। यहाँ पे क्या है, 0.47 ऊपर बार, 0.001 तीनों ऊपर क्या है, बार। इस बार का मतलब क्या है कि जो इस 0.6 है उसको हम क्या ले सकते हैं, 0.666 अप टू 7, मींस जो 6 है वो आपका बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। मींस हमारे जो तीनों वैल्यू वो क्या, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, मींस कंप्लीट आपका सोल्व नहीं हो रहा है यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, मींस आपकी जो वैल्यू वो रिपीट हो रही है। अब जो वैल्यू रिपीट होती है तो उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हम कर सकते हैं उसको। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले हम कर लेंगे इसको लेट, कि जो वैल्यू गिवन है उसको एक्स के इक्वल लेट कर लो, 0.6 बार। अब जो 0.6 बार है उसको आप क्या ले सकते हो यहाँ पे, 0.666 अप टू 7, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 0.6 बार है, मींस पॉइंट के बाद क्या है आपकी एक डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 10 से, ठीक है। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10 फ्रॉम बोथ साइड, कि हम क्या करेंगे इसमें बोथ साइड 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे कितना जाएगा, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.666 बार ऐसे। ये हमारी क्या, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, कि जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है एक डिजिट के बाद यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 6 के बाद, तो कितना जाएगा, 6.66, ठीक है, अप टू 7। ये हमारे आ जाएगी इसमें सेकंड इक्वेशन, ये हमारे क्या आ गए इसमें, ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें से, सेकंड में से। तो देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको आप सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन, इसमें 0.66, सॉरी ये हमारे पास क्या है, 6.66 अप टू 7। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट नीचे पॉइंट लिखोगे 666 अप टू 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10x में से आप 1x माइनस करोगे क्या बचेगा, 9x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 666 अप टू 7 है, 66 अप टू 7 है, मींस ये जो वैल्यू है वो आपकी सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, जीरो आ जाएगा, क्या बचेगा, 6 में 0 माइनस करोगे 6, जो 9 है आपका डिवाइड में आ जाएगा, 6/9 कैंसिल कर दो, 3 2 6, 3 3 9। अब जो x की वैल्यू है आपकी कितनी आ गई इसमें, 2/3, ये हमारी क्या आ गई इसमें, p बाई क्यू के फॉर्म में। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक मार्क्स में तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, जैसे 0.6 है ये बार, तो क्या है एक डिजिट के ऊपर क्या है इसमें, बार है, तो आप क्या करोगे, जो ये वैल्यू है उसको आप 9 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, आप 3 2 6, 3 3 9 कितना आ गया, 2/3 आपका सेम ही आएगा यहाँ पे आंसर ये, ठीक है। तो आप वन मार्क्स में इसको आप डाइट कर सकते हो। अब आगे देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल, एक्स इज इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है। इस बार का मतलब क्या है, जो 7 बार बार इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 0.4777 ऐसे अप टू 7, ठीक है। तो हम फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाई 10 फ्रॉम बोथ साइड, कि हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें किससे, 10 से, कितना जाएगा यहाँ पे, ये 10x इज इक्वल टू, अब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 इंटू 0.4777। अब क्या है इसमें, 1 के बाद मतलब जब 10 है उसमें क्या है, एक जीरो है, तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, कितना जाएगा, 4.777 अप टू 7। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो वैल्यू हमारी क्या है, पॉइंट के बाद 7 7 है और किसी में है नहीं ऐसा, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ठीक है, कि मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड किससे, 10 से। तो हमारा देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x आ गया, इधर आप 10 से करोगे तो यहाँ से जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसके अंदर, अब ये
47.777, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास तीन वैल्यू है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तीनों में से देखिए दो वैल्यू आपकी सेम मिलेगी पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 77, पॉइंट के बाद 77, पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7, मीन्स दो ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लेंगे सेकंड इक्वेशन, 10 से आप मल्टीप्लाई करते रहो हर स्टेप में ऐसे, ठीक है ना। वहां पे छोड़ देंगे, वहां पे जहां पे दोनों वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। तब देखिए सबट्रैक्ट कर देंगे सेकंड फर्स्ट इक्वेशन को किस में से, सेकंड में से। देखिए सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, कि फर्स्ट को सेकंड में से सबट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 47.777। अब यहां पे देखिए 10x इज इक्वल टू, पॉइंट नीचे पॉइंट लिखेंगे, इधर 4, इधर 777 अप टू 7। अब इसको कर देंगे सबट्रैक्ट, देखिए ये वैल्यू क्या हमारी सेम है, ये तो जीरो आ जाएगा आपका। 47 में से 4 माइनस करोगे 3, 100 में से 10 माइनस करोगे 90x, 90 आ जाएगा डिवाइड में, 3 इज इक्वल टू 90 कैंसिल कर दो, या कितना बचेगा 7 में से 4 गया 3, 4 हो रहा है 43, ठीक है 90 आ गया डिवाइड में, हमारी किसमें आ गई p by q की फॉर्म में, ठीक है। अब ऐसे हम अपना देखिए लास्ट जो पार्ट है वो करेंगे इसमें, थर्ड, तीन पार्ट है टोटल इसमें, क्वेश्चन काफी इजी है, ध्यान से करना, ठीक है। हर स्टेप हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 10 से ही ध्यान रखना आपने। अब देखिए जो नेक्स्ट है इसमें x इज इक्वल टू 0.001, ठीक है, तीनों के ऊपर बार है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं इसमें 0.001001 ऐसे अप टू 7, ठीक है, कि 001001 आपका रिपीट हो रहा है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 फ्रॉम बोथ साइड, कि बोथ साइड हम किसे कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे पॉइंट के बाद एक जीरो कम हो जाएगी 0.01001, ठीक है अप टू 7। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक जीरो, इसमें पॉइंट के बाद दो जीरो, तो सेम वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10 फ्रॉम बोथ साइड, कि बोथ साइड आप 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100x, इधर देखिए आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा 0.1001, ठीक है अप टू 7। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, या पॉइंट के बाद 0, या पॉइंट के बाद 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 0, सेम नहीं है वैल्यू, तो फिर से कर देंगे इसमें अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 10 फ्रॉम बोथ साइड, कि बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना जाएगा यहाँ पे 1000x इज इक्वल टू, अब यहां से आप 10 से करो तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा 1 के बाद 1.01 अप टू 7। अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद 20 और 1, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 20 और 1, ठीक है, मीन्स यहाँ पे आगे आप 001 भी ले सकते हो, बार बार रिपीट हो रही है। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इसको हम क्या ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारी क्या है सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब देखिए 1000x में से आप 1x माइनस करोगे, क्या बचेगा 999x, जैसे कि 10x में से आप x माइनस करोगे क्या बचेगा 9x, जितनी जीरो है उतने 9 लग जाएंगे, यहाँ पे क्या है 30 है तो 39 लग गए इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करोगे, पीछे की वैल्यू हमारी सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, x इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी डिवाइड में 1/99 999, ठीक है, ये आपका इसमें आंसर आ गया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, कि यहाँ पे जो वैल्यू है मतलब जो पार हो तीनों वैल्यू के ऊपर है, तो इसको आप 00 जो 1 है उसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो 999 से, मींस 1/99 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसके अंदर।